दरिद्रों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। जेल के फाटक टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे। जेल के फाटक टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे। जेल में बंद साथियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी वहां पे बिश्नोई करके वहां पे जो कांग्रेस से अलग हुआ नेता है वो भी वहां प्रदर्शन कर रहा है। वहां पे उनके लिए कोई 144 धारा लागू नहीं की गई। वहां पे ब्राह्मण सभा आज एक धरना आयोजित की हुई है, उनके लिए कोई 144 धारा लागू नहीं की गई है। ये 144 धारा साफ बताता है कि जो मजदूरों का वहां प्रदर्शन पिछले 57 दिनों से चल रहा था, उस प्रदर्शन को कैसे खत्म किया जाए, कैसे उसको दबाया जाए, इसके लिए 144 धारा लागू कर दिया गया। मैं उनको बुलाऊंगा कि वो यहाँ पे आके अपनी एक कविता सुनाए और यहाँ पे एक जोश भरे। साथी विद्रोही जी, दरवाजा तो यही है, कोई देख ले बैठे, कोई जी नहीं, तो हमारे लिए दरवाजा नहीं खोलेगा। कलेजे पक गए हैं पाकों की तरह, कलेजे पक गए हैं पाकों की तरह। मैं उनकी पीर हूँ, चिल्ला रहा हूँ और मुर्दा खुदा सिंहासन लिए कदमों में मेरे बारा रहा है। आसमां अपने विवर में घुस गया है और लाल झंडा है कि वो लहरा रहा है। तो कोई भगवान हो तो मुझे क्या पता, लेकिन इंसान की कुछ और बात है और जो तुमको पता है वो हमको पता है। यहाँ पर कहाँ बेपता बात है। तो ये पुल हिल रहा है तो क्यों हिल रहा है, तुमको पता है, हमको पता है, सबको पता है कि क्यों हिल रहा है। मगर दोस्तों, वो भी इंसान थे जिनकी छाती पर ये पुल जमाया गया, अब वही लापता है। न तुमको पता है, न हमको पता है, न किसी को पता है कि क्यों लापता है। तो इस जमाने में जिनका जमाना है भाई, उन्हीं के जमाने में रहते हैं हम और उन्हीं की हैं साथे, उन्हीं की हैं कहते, उन्हीं खातिर दिन रात बहते हैं हम। ये उन्हीं का हुक्म है जो मैं कह रहा, उनके सम्मान में मैं कलम तोड़ दूं। ये उन्हीं का हुक्म है साहब के लिए और मेरे लिए कि मैं हक छोड़ दूं। तो लोग हक छोड़ने पर मैं क्यों छोड़ दूं, मैं तो हक की लड़ाई का हमवार हूँ। मैं बताऊँ कि मेरी कमर तोड़ दो, मेरा सिर फोड़ दो, पर ये ना कहो कि हक छोड़ दो। तो आपसे कह रहा हूँ अपनी तरह, अपनी दिक्कत को सबसे जिरा कर रहा। मुझको लगता है कि मैं गुनाहगार हूँ क्योंकि रहता हूँ मैं कैदियों की तरह। मुझको लगता है मेरा वतन जेल है, मुझको लगता है मेरा वतन जेल है। ये वतन छोड़कर अब कहाँ जाऊँगा, अब कहाँ जाऊँगा, जब वतन जेल है, जब सभी कैद हैं तब कहाँ जाऊँगा। तो मैं तो सब कैदियों से यही कह रहा, आओ उनके हुक्म की उदूली करें। पर सब पूछते हैं कि वो कौन है और कहाँ रहता है। मैं बताऊँ कि वो एक जल्लाद है, वो वही है जो कहता है हक छोड़ दो। तुम यहाँ से वहाँ तक कहीं देख लो, गांव को देख लो, शहर देख लो, अपना घर देख लो, अपने को देख लो, किस हक की लड़ाई में तुम किस तरफ हो। तो आपसे कह रहा हूँ अपनी तरह कि मैं तो सताए हुओं की तरफ हूँ और जो भी सताए हुओं की तरफ है उसको समझता हूँ कि अपनी तरफ है, पर उनकी तरफ इसके उल्टी तरफ है। उधर उस तरफ आप मत जाइए, जाइए पर अकेले में मत जाइए, ऐसे जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। आइए हमारी तरफ, आइए, आइए इस तरफ की सही राह है और सही शाह है। हम कौन है क्या ये भी नहीं जात है, हम कमेरों की भी क्या कोई जाति है। हम कमाने के खाने का प्रचार ले, अपना परचम लिए, अपना मेला लिए, आखिरी फैसले के लिए जाएंगे, अपनी महफिल लिए, अपना डेरा लिए। उधर उस तरफ जालिमों की तरफ उनसे कहने की गर्दन झुकाओ, चलो अब गुनाहों को अपने कबूलो, चलो दोस्तों उस घड़ी के लिए अब चलो, और अभी से चलो उस खुशी के लिए जिसके खातिर लड़ाई ये छेड़ी गई, जो शुरू से अभी तक चली आ रही और चली जाएगी अंत से अंत तक। हम गुलामी की अंतिम हदों तक लड़ेंगे। दुनिया के मजदूरों को